छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का जैसे ही ऐलान किया, उसके कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची को जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपने उम्मीदवारों की 64 लोगों की दूसरी सूची को जारी किया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी शामिल है। इस पूरी लिस्ट की बात करें तो भरतपुर सोनहत की सुरक्षित सीट से सांसद रेणुका सिंह, मनेन्द्रगढ़ की सीट से श्याम बिहारी जायसवाल, बैकुंठपुर से भैयालाल रजवाड़े, सामरी की सुरक्षित सीट से उधेश्वरी पैंकरा, सीतापुर की सुरक्षित सीट से रामकुमार टोप्पो, जशपुर की सुरक्षित सीट से रायमुनि भगत, कुनकुरी की सुरक्षित सीट से विष्णुदेव साय, पत्थलगांव की सुरक्षित सीट से गोमती साय जो कि सांसद हैं, लैलुंगा की सुरक्षित सीट से सुनीति सत्यानंद राठिया, रायगढ़ की सीट से पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, सारंगढ़ की सुरक्षित सीट से शिवकुमारी चौहान, रामपुर की सुरक्षित सीट से ननकीराम कंवर, कटघोरा की सीट से प्रेमचंद पटेल, पाली तानखार की सुरक्षित सीट से रामदयाल उइके, कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, लोरमी से सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहिले जो कि सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, मस्तूरी की सुरक्षित सीट से कृष्णमूर्ति बंदी, अकलतरा से सौरभ सिंह, जांजगीर चांपा से नारायण प्रसाद चंदेल, सक्ती से खिलावन साहू, चंद्रपुर से बहुरानी संयुक्ता सिंह जूदेव, जय जयपुर से कृष्णकांत चंद्र, पामगढ़ की सुरक्षित सीट से संतोष लहरे, बसना से संपत अग्रवाल, महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा, बिलाईगढ़ की सुरक्षित सीट से दिनेश लाल जांगड़े, बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा, भाटापारा से शिवरतन शर्मा, धरसीवा की सीट से छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए अनुज शर्मा, रायपुर ग्रामीण की सीट से मोतीलाल साहू, रायपुर नगर पश्चिम से पूर्व मंत्री राजेश मूणत, रायपुर नगर उत्तर से पुरंदर मिश्र, रायपुर नगर दक्षिण से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, आरंग की सुरक्षित सीट से खुशवंत सिंह, बिंद्रा नवागढ़ की सुरक्षित सीट से गोवर्धन राम मांझी, कुरूद से अजय चंद्राकर, धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू, संजारी बालोद से राकेश यादव, गुंडरदेही से वीरेंद्र कुमार साहू, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर से रिकेश सेन, अहिवारा की सुरक्षित सीट से डोमनलाल कोरसेवाड़ा, साजा से ईश्वर साहू, नवागढ़ की सुरक्षित सीट से दयाल दास बघेल, कवर्धा से विजय शर्मा, डोंगरगढ़ की सुरक्षित सीट से विनोद खांडेकर, राजनांदगांव से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगांव से भरतलाल वर्मा, अंतागढ़ की सुरक्षित सीट से विक्रम उसेंडी, भानुप्रतापपुर की सुरक्षित सीट से गौतम उइके, केशकाल की सुरक्षित सीट से नीलकंठ टेकाम जो कि पूर्व आईएएस हैं, कोंडागांव की सुरक्षित सीट से लता उसेंडी, नारायणपुर की सुरक्षित सीट से केदार कश्यप, जगदलपुर से किरण सिंह देव, चित्रकोट की सुरक्षित सीट से विनायक गोयल, दंतेवाड़ा की सुरक्षित सीट से चेतराम अरामी, बीजापुर की सुरक्षित सीट से महेश गागड़ा और कोंटा की सुरक्षित सीट से स्वयं मुका का नाम शामिल है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी और अब तक वो 90 में से कुल मिलाकर प्रदेश के में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए 85 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।